एंड ही सीकिंग आंसर टू देम और वो उनके आंसर ढूंढ रहा है वॉट आर द्वेश्चन अब वो क्या क्वेश्चन है एंड किंग गेट वॉट ही बॉन्ड्स जो राजा को चाहिए था क्या वो उसे मिला लेट फाइंड आउट इन दैप्टर थ्री क्वेश्चन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ यू न्यू थ्री थिंग्स एक किसी राजा के मन में विचार आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे ये तीन चीजें पता हो दीज थ्री थिंग्स वर और वो तीन चीजें कौन सी थी What इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग कुछ भी शुरू करने का सही टाइम कौन सा है विच पीपल शुड ही लिसन टू किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए एंड वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है द किंग देर फॉर सेंड मैसेजर्स थ्रू आउट किंगडम इसलिए उसने अपने पूरी किंगडम में पूरे राज्य में मैसेंजर्स को भेज दें मैसेजर्स वो होते हैं जो लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी और प्रॉमिस किया कि बहुत ज्यादा पैसा उसको मिलेगा टू एनी वन वु मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बहुत सारे वाइस यानी कि बुद्धिमान लोग राजा के पास आए बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली लेकिन उन सभी ने क्वेश्चन को डिफरेंटली आंसर किया अलग अलग तरीकों से आंसर किया इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कुछ भी करने का सही टाइम क्या है सम सेट कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए ओनली इन दिस वे तभी दे सेड कुड ही डू एट इट्स प्रॉपर टाइम इसी तरीके से वो सभी काम अपने प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे अदर सेट बाकियों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग कि ये तो इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि कुछ भी चीज शुरू करने का सही टाइम क्या है आप इसे एडवांस में पहले से डिसाइड नहीं कर सकते द किंग शुड नोटिस ऑल दैट इज गोइंग ऑन राजा को जो चारों तरफ हो रहा है उसको नोटिस करना चाहिए अवॉइड फुलिश प्लेजर्स जो बेवकूफ लोग हैं उनको अवॉइड करें एंड ऑलवेज डू वट एवर सीन नेसेसरी एट दैट टाइम जो उस टाइम पर जरूरी लगे वो फिर करें ट फिर कुछ ने कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन एक काउंसिल बनानी चाहिए राजा को जिसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोग हो हुआल करेंगे राजा की प्रॉपर टाइम पर एक्ट करने में दिस वॉज बिकॉज और ये ऐसा इसीलिए है काउंसिल बनाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट दी हेल्प ऑफ अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन एक आदमी नहीं डिसाइड करता कर सकता कि सही काम करने का सही टाइम क्या है सो बहुत सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे इसलिए काउंसिल वो बना ले काउंसिल क्या होती है ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स एक लोगों का ग्रुप जो कि बनाया जाता है स्पेशली इसीलिए कि वो एडवाइस कर सके या फिर रूल्स बना सके बट देन अदर सेड दैट देर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट फिर कुछ ने कहा कि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनको इमिडिएट एक्शन चाहिए जो बहुत अर्जेंट होती है दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ये चीजें वेट नहीं कर सकती कि कब काउंसिल uh, डिसीजन ले तब हम ये काम शुरू करें कुछ काम हमें जल्दी में भी करने होते हैं अर्जेंटली करने होते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग तो कुछ भी करने का सही टाइम डिसाइड करना इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर इसके लिए तो हमें फ्यूचर देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड ओनली मजिशियंस कैन डू दैट और ये तो सिर्फ कोई मजीशियन कोई जादूगर ही कर सकता है द किंग देर फोर वु मजीशियंस राजा को फिर जादूगरों के पास जाना चाहिए इन देर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के आंसर में दूसरा क्वेश्चन क्या था कि किन लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए सम सेट कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स कि राजा के लिए सबसे जरूरी उसके काउंसलर्स हैं काउंसलर्स बोलते हैं उन लोगों को जो कि राजा को एडवाइस करते हैं मेंबर्स ऑफ द काउंसिल उसके काउंसिल के मेंबर्स होते हैं अदर्स सेट दूसरों ने कहा द प्रीस्ट कि नहीं पुजारी ज्यादा जरूरी है अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स कुछ ने डॉक्टर्स को चूज किया एंड येट अदर्स सेट दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी कुछ ने कहा राजा के लिए सबसे जरूरी उसके सोल्जर्स सिपाही हैं टू द थर्ड क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे जरूरी काम कौन सा है सम सेट साइंस दी अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप पूजा करना सबसे इंपॉर्टेंट है फाइटिंग जरूरी है साइंस जरूरी है एज दी आंसर्स टू हिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट जो आंसर्स थे उसके क्वेश्चन के वो इतने अलग थे द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि राजा सेटिस्फाइड नहीं होता है एंड गिव नो रिवॉर्ड और वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता है Instead, इसकी बजाय डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हरमिट वो किसी हर्मिट की हेल्प लेता है हरमिट हम बोलते हैं हिंदी में सन्यासी को या फिर अ पर्सन हु लिव्स अलोन एक पर्सन जो कि अकेला रहता है एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ एक साधारण सी जिंदगी जीता है हु वाइडली नोन फॉर हिज विजडम ये ये जो हर्मिट थे अपनी विजडम के लिए अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे तो वो सोचते हैं कि वो हेल्प लेंगे उस हर्मिट से द हर्मिट लिव इन अ वुड हर्मिट एक जंगल में रहता था विच ही नेवर लेफ्ट और वो उस जंगल को छोड़कर कभी बाहर नहीं गया था ही सो नो वन बट सिंपल पीपल इसलिए उसने कभी राजा को और इन सब को देखा भी नहीं था आम लोगों को ही देखा था एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ इसलिए राजा ने भी साधारण से ही कपड़े पहन लिए बिफोर ही रीच दर्मिट शर्ट वो हरमिट के झोपड़ी तक पहुंचता द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट ऑन अलोन उसने अपने हॉर्स को वहीं पर अपने बॉडी गार्ड्स के साथ छोड़ दिया और वो अकेला ही हरमेट के पास चल चला गया

एंड एज वर्क जब वो काम कर रहा था he breathed heavily. वो जोर जोर से सांस भी ले रहा था दिंग टू दर्मिट एंसर राजा हरमेट के पास जाता है और कहता है आई है आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चन तीन क्वेश्चन को पूछने के लिए हाउ केन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम मैं सही काम सही टाइम पर करना कैसे सीखू हु आई नीड मोस्ट

मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ राजा ने ऐसा ऑफर किया थैंक्स सेट द हरमिट हरमिट ने थैंक यू बोला गिविंग द किंग स्पेड और अपना स्पेड फावडा जो था वो राजा को दे दिया देन ही सैट डाउन ऑन दी ग्राउंड और फिर वो ग्राउंड पर बैठ गया वहीं पर किंग टू बेड्स राजा ने टू बेड्स दो क्यारियों को डग किया ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन वो फिर रुक जाता है और फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है द हरमेट गिव नो आंसर्स हरमेट फिर से कोई आंसर नहीं देता बट स्टूड अप लेकिन वो खड़े हो जाते हैं स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड और हाथ बढ़ाते हैं आगे स्पेड अब मुझे दे दो एंड सेट नाउ यू रेस्ट अब तुम रेस्ट करो लेट मी वर्क एंड लेट मी वर्क और अब मुझे काम करने दो बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड राजा उसको स्पेड नहीं देता एंड कॉन्टिन्यू टू डिग और वो डिग करता ही रहता है वन आवर पास्ट एक घंटा बीत जाता है देन अनदर फिर एक और द सन went डाउन बिहाइंड द ट्रीज सूरज छिपने लगता है पेड़ों के पीछे एंड at लास्ट द king स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड वो ग्राउंड में स्पेड को स्टक करता है गार्ड देता है एंड सेट और कहता है आई कम आई केम टू यू वाइज मैन मैं आपके पास आया हूँ फॉर द आंसर्स टू माई क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर अगर आप मुझे आंसर्स नहीं दे सकते टेल मी सो मुझे बता दो एंड आई विल रिटर्न होम मैं वापस चला जाऊँगा

फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग और उसके स्टमक से खून बह रहा था ब्लड फ्लो कर रहा था वेन ही रीच द किंग जब वो राजा के पास पहुंचा ही बेहोश हो गया एंड फेल ऑन दी ग्राउंड और वही ग्राउंड पर जमीन पर गिर गया द किंग एंड द हरमेट रिमूव द मैं क्लोदिंग वो उसके कपड़े निकालते हैं फाउंड अ लार्ज बाउंड इन हिस्स स्टमक और देखते हैं कि उसके स्टमक में पेट में एक बहुत बड़ा बाउंड घाव है द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद राजा उसको धोता है घाव को और अपने हैंकी से उसको कवर कर देता है बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन जो खून है वो बहता हुआ रुकता नहीं द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड फिर से वो दोबारा से उसकी ड्रेसिंग करता है अनटिल इट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप तब तक जब तक कि वो ब्लड फ्लो होना बंद नहीं हो जाता द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्ट फॉर समथिंग टू ड्रिंक अब वो जो आदमी है उसको बेटर फील होता है वो कुछ मांगता है समथिंग टू ड्रिंक कुछ पीने के लिए द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लाता है एंड गिव इट टू हिम उसको दे देता है बाई दिस टाइम द सन had सेट इस टाइम तक सूरज पूरा डूब चुका है एंड द एयर was cool ठंडी हवा बह रही है द किंग विद द हरमिट सेल्फ carried द बाउंडेड मैन इन टू द हट किंग हरमिट की हेल्प से उसको अंदर लेकर जाता है हट में

वेयर so, uh, ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड बॉज तो उसे ये याद करने में कुछ टाइम लगता है कुछ मिनट लगती है कि वो कहाँ पर है और ये जो बियडेड मैन लेटा हुआ है स्ट्रेंजर अजनबी ये कौन है फॉर्म मी सेट द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉयस वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवीक जब वो बियर्डेड मैन देखता है कि राजा जाग गया है तो वो माफी मांगता है आई डो नॉट नो यू एंड हैथिंग टू फोगेव यू फोर सेट द किंग तो राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं तो तुम किस लिए किस बात के लिए मैं तुम्हें फॉरगिव करूं क्यों तुम माफी मांग रहे हो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं आई एम दैट एनिमी ऑफ हु रिवेंज ऑन यू मैं वो तुम्हारा दुश्मन हूं जिसने की स्वर ये प्रण लिया था कि मैं तुमसे रिवेंज बदला लूंगा बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ क्योंकि तुमने अ, मेरे भाई को मारा था एंड सीज माई प्रॉपर्टी और मेरी जो प्रॉपर्टी है हमारी उसको सीज कर लिया था आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट मैं जानता था कि तुम उस हर्मिट को देखने के लिए अकेले गए हो एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम और मेरा ये प्लान था कि जब तुम वापस घर जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा बट द डे पास लेकिन दिन बीत गया एंड यू डिड नॉट रिटर्न तुम वापिस नहीं आए सो आई लेव माई हाइडिंग प्लेस मैं जहाँ पर छिपा हुआ था मैं उससे बाहर आया एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड्सनाइज मी एंड बाउंडेड मी और जब मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स के पास गया उन्होंने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई माउंड वहां से तो मैं बच गया लेकिन मैं मर ही जाता अगर तुम मेरे उस बाउंड को घाव को की ड्रेसिंग नहीं करते आई विश टू किल यू मैं तो तुम्हें मारना चाहता था एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ लेकिन तुमने मेरी जान बचाई नाउ आई एम आई एम अलाइव अभी मैं जिंदा हूँ आई लिव आई विल सर्व यू एज your मोस्ट फेथफुल सर्वेंट अब मैं तुम्हें सर्व करूंगा और तुम्हारा सबसे फेवरेट सॉरी फेथफुल सर्वेंट बनूंगा यानी कि सबसे वफादार एंड विल ऑर्डर माय सन्स टू डू द सेम और मेरे जो आगे सन है अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि वो भी यही करे एंड नाउ फॉर गिव मी मुझे माफ कर दो द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद एनिमी सो इजिली तो राजा बहुत खुश था इतनी आसानी से उसने अपने जो एनिमीज थे दुश्मन जो थे उनके साथ आ, पीस फॉर्म की शांति बना ली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड और इनफैक्ट वो उसका इतना अच्छा दोस्त भी बन गया ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम उसने सिर्फ उसको माफी नहीं किया बट सेड बल्कि ये भी कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स कि मैं अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम और अपने डॉक्टर को भी जो तुम्हें लुक आफ्टर करेंगे तुम्हारी देखभाल करेंगे एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कर दूंगा लिविंग मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ हट एंड लुक राउंड फॉर द हरमेड उस माउंडेड मैन उस घायल आदमी को वहीं पर छोड़कर राजा अभी हट के बाहर आता है और हरमिट को ढूंढता है बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वोर टू गेट आंसर टू हिस्स क्वेश्चन जाने से पहले वो फिर से एक बार चाहता था कि शायद उसे उसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हेड बीन डग द डे बिफोर पहले दिन जो उन्होंने उनको बेड्स को क्यारियों को डग किया था अब वो उसमें सीड्स को सो कर रहा था बीज बो रहा था हर्मिट द किंग वन अप टू द हर्मिट राजा जो है हरमिट के पास जाता है इनसेट और कहता है फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन मैं बेग करता हूँ कि मुझे uh, मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दे दो

अगर कल तुमने मेरी वीकनेस पर दया ना दिखाई होती एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी और इन बेड्स को इन क्यारियों को मेरे लिए डग ना किया होता यू वुड हैव गॉन अवे तो तुम चले जाते देन दैट मैन वुड हैव हैटैक्ट यू फिर वो आदमी तुम पर अटैक करता एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी और फिर तुम ऐसा सोचते कि काश तुम यहीं रुक जाते सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स तो सबसे जरूरी टाइम वो था जब तुम इन बेड्स को डग कर रहे थे एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और मैं सबसे जरूरी आदमी था एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था सबसे जरूरी टाइम आदमी और काम आफ्टरवर्ड उसके बाद वेन द मैन रैन टू वर्स जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम सबसे जरूरी टाइम वो था जब तुम उसको टेक केयर कर रहे थे उसकी देखभाल कर रहे थे बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस डिस बाउंड्स अगर तुमने उसके बाउंड्स को ड्रेस नहीं किया होता ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू वो मर जाता और जो एक एनिमी तुम्हारा एक फ्रेंड बना है वो ना होता उसके साथ पीस ना होता होती सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन वो सबसे ज़रूरी आदमी था एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और जो तुमने उसके साथ किया वो तुम्हारा सबसे जरूरी काम था रिमेंबर देन तो याद रखना देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक ही टाइम है जो सबसे ज़रूरी है एंड दैट टाइम इज़ नाउ वो टाइम अभी है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ये सबसे ज़रूरी टाइम इसीलिए है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव द पावर टू एक्ट यही वो टाइम है जब हमारे पास पावर है कुछ एक्ट करने के लिए ना फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं ना पास्ट में कुछ चेंज कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं अभी कर सकते हैं तो ये टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और सबसे जरूरी आदमी वो है जिसके साथ आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हैं फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स और क्या आप दोबारा कभी उनसे मिल पाएंगे तो वो सबसे जरूरी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड और सबसे जरूरी काम है दूसरे उस पर्सन के साथ कुछ अच्छा करना बिकॉज वी वर सेंड इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन क्योंकि हमें इस दुनिया में उसी काम के लिए भेजा गया है सो so, ये थी स्टोरी थ्री uh, क्वेश्चन uh, जो की लिखी है लियो टोल स्टॉय ने ओके दैट सॉल्व थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे